पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित इंदौरा विधानसभा के ठाकुर द्वारा में स्थित आस्था का प्रतीक बाबा खयालू मंदिर में वार्षिक मेले व भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सुबह 6 बजे हवन डालने के उपरांत सुबह 7 बजे से ही लंगर कमेटी द्वारा भंडारे का शुभारंभ कर दिया गया और श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण करना आरंभ किया। देर रात 12 बजे के बाद भी लंगर का सिलसिला चलता रहा। लंगर कमेटी के प्रधान गुरदीप सिंह ने बताया कि मध्य रात्रि से ही दाल चावल कढ़ी और खट्टा आदि बनने शुरू हो गए और सुबह 7 बजे तक विभिन्न विभिन्न दालें बड़ी बड़ी पीतल की देंगों में बनाकर एक दर्जन से ऊपर लोहे की टंकियों में भर दी गई और पकाए गए चावल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरे जा रहे थे। कमेटी प्रधान ने बताया कि 14 मई को रामायण का पाठ आरम्भ किया गया था और 16 मई को सुबह भोग डाला गया और हवन डालकर सुबह 7 बजे संगत को भंडारा परोसना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक मेले में श्रद्धालुओं की भरमार लगी रही। मंगलवार रात 12 बजे तक भी लंगर चलता रहा। कमेटी प्रधान ने बताया कि भंडारा ठाकुर द्वारा के निवासियों और पूरे क्षेत्रवासियों के सहयोग से बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और सफल आयोजन के लिए सब क्षेत्रवासी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर मंदिर के नज़दीक अस्थायी दुकानें सजी हुई हैं जहां लोगों ने खूब खरीदारी की। मेले के द्वारा सुबह दिन पंजाब व हिमाचल से लगभग आधा दर्जन धार्मिक गायन पार्टियों ने बाबा जी की महिला का गुणगान किया। जालंधर से आई टीम द्वारा रात के जागरण के लिए पंडाल में सुंदर भवन सजाया गया तथा और रात को हिमाचल पंजाबी गायक रंजीत राणा ने अपनी सुरीली आवाज़ से बाबा कैलू जी की महिमा का गुणगान कर संगत को नाचने पर मजबूर कर दिया। रात को भी जागरण में उपस्थित हुए हजारों की संख्या में संगत के लिए युवाओं द्वारा चाय पकौड़े का लंगर भी लगाया गया। ज्ञात रहे कि यह भंडारा इंदौरा और इसके आसपास पड़ते पंजाब क्षेत्र का सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। मेले में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के असंख्य श्रद्धालु भंडारे में शामिल हैं और बड़ी श्रद्धा से मंदिर में नतमस्तक हो रहे हैं। हाँ जी प्रधान जी, जो आए ये लंगर है इसके बारे में थोड़ा। ये जो लंगर है ये सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। गांव वालों का इसमें भरपूर योगदान रहा है और इलाका निवासियों ने भी यहाँ पे इस लंगर में अपना सहयोग दिया है। उसके लिए हम दिल की गहराइयों के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं और मंदिर में प्रधानने के लिए जो बाहर से जनता आई है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इस वर्ष हमारे लगभग जो चावल का अनुमान है वो 60-70 क्विंटल के बीच में है और लगभग 20,000 से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आज प्रसाद ग्रहण कर गई है। कमेटी की तरफ से सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं हम उनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।